हाल ही में विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से कैप्टेंसी को छोड़ने का ऐलान किया है। अब एक तो इसकी टाइमिंग पर तो सवाल है ही है, साथ ही साथ ये किस तरह की स्प्लिट कैप्टेंसी होगी कि ODI और T20 के दो अलग कप्तान और टेस्ट और ODI के जो है सेम कप्तान, जो कि दुनिया में ये कहीं भी नहीं देखा जा रहा है। वाइट बॉल और रेड बॉल में ही डिविजन देखा जाता है, लेकिन ये जो फैसला लिया है विराट कोहली ने, इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कितना कारगर साबित होगा ये फैसला, इस तरीके की स्प्लिट कैप्टेंसी, क्या है दिग्गजों की राय इस पर, आइए चर्चा करते हैं। कोहली का बतौर कप्तान रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। बायलैटरल सीरीज हो या जीत प्रतिशत, विराट कोहली किसी भी लिस्ट में टॉप पर ही नजर आएंगे, लेकिन वो अब तक एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 में वर्ल्ड कप और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। अब T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी अगर विराट कोहली नाकाम रहते हैं तो मुमकिन है कि उनकी वनडे कप्तानी पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो जाए। कोहली ने कहा है कि वो अन्य दो फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे में कप्तान बने रहेंगे, लेकिन कोई भी साफ तौर पर ये नहीं कह सकता है कि वो भारत में 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत की 50 ओवर की टीम के कप्तान होंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट T20 कप्तानी छोड़ने के लिए बिल्कुल स्वीकार्य कारण है, लेकिन अगर 2023 तक भारत के स्केड्यूल को देखा जाए तो वर्ल्ड कप के अलावा टीम को लगभग 20 बायलैटरल T20 मुकाबले खेलने हैं। BCCI के सूत्र की माने तो विराट कोहली को पता है कि अगर टीम UAE में T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उन्हें लिमिटेड ओवरों की कप्तानी से हटाया जा सकता है। आपको बता दें, हाल ही में खबरें आई थी कि कोहली रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटवाना चाहते थे। कहा जाता है कि इस बात के लिए कोहली ने रोहित की उम्र का हवाला दिया। वहीं ये भी कहा जाता है कि कोहली ने ऐसा इसलिए चाहा जिससे कि उनकी वनडे कप्तानी सुरक्षित रहे। अगर कोहली टेस्ट और वनडे कप्तान रहते हैं तो सवाल पैदा होता है कि ये कितना कारगर होगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम में इस तरह की सेटिंग नहीं है। स्प्लिट कप्तानी सफेद और लाल गेंद फॉर्मेट में है। सुनील गावस्कर ने इशारों में कहा है कि विराट कोहली की वनडे कप्तानी खतरे में है। सुनील गावस्कर का कहना है कि कोहली ने लिखा कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब वनडे कप्तानी पर सिलेक्टर फैसला लेंगे। उनकी टेस्ट कप्तानी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन देखना चाहिए कि वनडे कप्तानी में बदलाव होगा या नहीं। वहीं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी अपने YouTube चैनल पर कहा कि विभाजन लाल गेंद और सफेद गेंद के बीच होता है और ऐसे में कोहली की वनडे कप्तानी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आकाश चोपड़ा का मानना है कि स्प्लिट कप्तानी का फॉर्मूला अच्छे से चल सकता है, लेकिन टेस्ट और वनडे में एक कप्तान और T20 में अलग, इस फॉर्मूले के काम करने की संभावना बेहद कम लगती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जो कि सफ़ेद गेंद और लाल गेंद की एक डिवीजन होता है, वो उसमें कैप्टेंसी का जो स्प्लिट है वो देखा जाता है। ये कितना कारगर साबित होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ विराट कोहली ने कहा जा रहा है, माना जा रहा है, अपने आप ही ये फैसला लिया है, पिक एंड चूज किया है। किससे चर्चा हुई और कितनी चर्चा हुई, उन्होंने तो जरूर अपने त्याग पत्र में कहा है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने रोहित से, रवि शास्त्री से वगैरह वगैरह सिलेक्टर से बातचीत की है, लेकिन T20 का कप्तान ना होना और बाकी दो फॉर्मेट का ये जो उन्होंने फैसला लिया है, ये किस लिहाज से लिया है और ये कितना सही है और इसके क्या मायने हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि भारत के अगर हम इतिहास में देखें, कब कब स्प्लिट कैप्टेंसी रही है और इस वक्त दुनिया में किन टीम्स की स्प्लिट कैप्टेंसी है। अनिल कुंबले और MS धोनी के बीच कप्तानी का बंटवारा हो चुका है। ये बात 2007 और 2008 की है, तब महान स्पिनर अनिल कुंबले सिर्फ टेस्ट, जबकि धोनी वनडे के कप्तान थे, मगर तब अनिल कुंबले वाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं खेलते थे। 2014 से 2016 तक धोनी वनडे और विराट टेस्ट के कप्तान थे, जब ऑस्ट्रेलिया में धोनी ने रातों रात संन्यास की घोषणा कर दी थी। 2017 में कोहली भारत के हर फॉर्मेट के कैप्टन बन गए। विराट रोहित के मसले पर 2 साल पहले भी ऐसा ही हल्ला उड़ा था, मगर तब विराट कोहली को BCCI का पूरा सपोर्ट था। कुछ एक्सपर्ट इसे मजबूत दावेदार की कमी भी बता सकते हैं, तब रोहित शर्मा की टेस्ट में जगह पक्की नहीं थी। मौजूदा दौर में स्प्लिट कैप्टेंसी वाली टीमों की बात करें तो इंग्लैंड में जो रूट टेस्ट कप्तान है, ओइन मॉर्गन T20 और वनडे कप्तान। ऑस्ट्रेलिया में टिम पेन टेस्ट कप्तान है तो एरन फिंच T20 और वनडे के कप्तान। वेस्ट इंडीज में क्रेग ब्रैथवाइट टेस्ट कप्तान है, तो वहीं कायरन पोलार्ड T20 और वनडे में। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो डीन एल्गर टेस्ट कप्तान, वहीं तेम्बा बाबूमा T20 और वनडे के कप्तान है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो मोमिनुल हक टेस्ट, तमीम इकबाल वनडे और महमूदुल्ला T20 कप्तान है।
वहीं श्रीलंका की बात करें तो धीमुत करुणारत्ने टेस्ट कप्तान हैं, दासुन चनाका T20 और वनडे के कप्तान। भारतीय क्रिकेट में उथल पुथल तो काफी ज्यादा चल रही है, लेकिन ये कितना हेल्दी रहेगा भारत के लिए, वो भी वर्ल्ड कप ईयर में, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।